बारिश की वजह से सारा खेत खराब हो गया और सारी सरसों भी खराब हो गई। ये देखो घास के लिए ले जा रहे हैं। राधे राधे दगड़ियों में ममता पहाड़ी, पहाड़ के सुंदर वादियों बेटिन आप सबों को स्वागत कर दूँ अपने ये ब्लॉग में। आशा कर दूँ कि आप तक मेरी ये ब्लॉग पसंद जरूर ओली। तो दगड़ियों पसंद ओली तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों ये है हमारी भैंस, ये देखो ये कैसी लगी आपको हमारी भैंस। ये मारने भी आती है, वो कभी कभी गुस्सा भी आता है उसको बहुत, इस समय शांत हो रही है। तो दोस्तों मैं अब खेत में आ रखी हूँ घास के लिए, यहाँ घास निकाल रही हूँ। देखो ये सरसों हमारी खेत में वो तो हुई नहीं, सारी सरसों खराब हो गई है, बारिश नहीं हुई बारिश की वजह से। तो अब मैं इसे घास के लिए ले जा रही हूँ। ये देखिए सारी खराब हो गई है और अब इसे हम घास के लिए ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, धूप से मुँह भी अजीब हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। ये देखो और ये है खेत, बहुत बड़ा है पर क्या करें, सरसों एक भी नहीं है, सारी खराब हो गई। ये देखिए, तो ये देखो हमने निकाल दिया है ये घास, सारे सरसों खराब हो गई है। ये देखिए, देख सकते हैं आप इतना सारा घास के लिए हो गया, ये सारी खराब हो गई है। धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब हम घर जाएंगे, ज़्यादा देर कैसे रहना धूप में। खेत तो बहुत बड़ा था ये देखिए, पर क्या करें सारी सरसों खराब हो गई है। ये हमने बो रखी थी यहाँ। और दोस्तों तो अब जाएंगे घर, क्योंकि अभी घर में भी बहुत काम है, गाय भैंस बाहर हैं अंदर बांधनी है। तो अब जाते हैं हम घर, यहाँ भी खेतों में बहुत काम है। अब यहाँ हल लगेगी तो फिर तब फिर से हम यहाँ दाल दूल बोएंगे। ये देखो दोस्तों ये मेथी है, मेथी पे फूल लग गए हैं। और ये प्याज, यहाँ पे प्याज बो रखा है, कुछ यहाँ पे है और कुछ यहाँ नीचे खेत में। वो मटर हैं, ये लहसुन है, तो उधर से प्याज है। और अब हम पहुँच चुके हैं घर, है हमारा कालू, ये हमारा प्यारा सा घर। दोस्तों अब बज गई है शाम की 4, तो मौसम भी ख़राब हो गया है और बारिश की बूंदें भी टपक रही हैं, बारिश लगने की संभावना तो पूरी है। तो अब हम बनाते हैं चाय, तो अब हमारे चाय बनाने वाले जाते हैं। जरा चावल हो जा। तो बन गई है अब शाम की चाय, तो अब चाय पीते हैं। तो दोस्तों देखो बारिश भी आ गई है, देखो आसमान में आवाज़ भी हो रही है, बादल गरज रहे हैं और बारिश भी आ गई है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।